अच्छा भैया, जैसे कि आज तुम्हारा टॉपिक आया लाइफ एट डेथ, पहले तो मैं कहीं नौकरी नहीं थी मिल रही, जिधर गए सीवी रिजेक्ट सीवी रिजेक्ट सीवी रिजेक्ट, आखिर किस्मत का दरवाजा खुला, हमें नौकरी मिल गई अपेक्स। भाई ने इनकी सबसे बड़ी कंपेन में ट्राई किया, कीप ट्रक इनकी कंपेन थी भाई ने कहा चले किधर चलते हैं, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में मेरी एचआर ने बहुत बिस्ती की मुझे, उन्होंने कहा जिस तरह की आपकी इंग्लिश है ना डोमेस्टिक में जाए, मैंने फिर भी दिल छोटा नहीं किया, मैंने लिंक करवाए और उसके बाद भाई ने एक कंपेन करी, उन्होंने मुझे वो सजेस्ट की, मैं उधर आ गया, नौकरी भाई वैसे कोई नहीं मिल रही, नौकरी भाई वैसे कोई नहीं मिल रही। उसके बाद हमने कहा चले ठीक है, आ गए इधर इंटरनेशनल में आ गए, सारी उम्र डोमेस्टिक का काम किया, भाई इंग्लिश बोलेंगे क्या पता 2000 नंबर से, इधर आते साथ पहले उन्होंने कहा जी आपकी होगी महीना ट्रेनिंग, हमने कहा चले खैर शुक्र मेरा लगता रहेगा कुछ आप अच्छी होंगे, मगर भाई कोई नहीं, यहाँ पे आके पता लगा कि जो मैं कह रहा था कि यहाँ पे कोई अच्छे बंदे होंगे जिनसे मिलेंगे, मगर यहाँ पता लगा यहाँ पे खूबसूरत और अच्छा बंदा सिर्फ मैं ही, कोई नहीं दिल छोटा नहीं किया, मैंने कहा यार नौकरी है चलो करते हैं पैसे भी नहीं करते। उसके बाद इन्होंने हमें कहानी कराई जी 200 रुपये आपको पर डे का, यहाँ से 15 किलोमीटर मेरा दूर था भाई साहब, रोजाना था पहले 180 का पेट्रोल था उसमें 210 था, 250 का पेट्रोल डलवा के आता, 200-400 की रोटी खाते हैं और वापसी तक कोई नशा पानी करते हैं, भाई 600-700 रुपये लग जाते हैं और कमाते हैं 200, दिल छोटा नहीं किया मैं कि चलता यार जिंदगी है फिर क्या, वो कोई नहीं कहा, लगे रहे उनके बाद उन्होंने ट्रेनिंग कभी क्विज कभी क्या और कभी क्या, और हमारे एक महान ट्रेनर हैं आप उनको दादिये वगैरह है नहीं सकेंगे, मेरे क्विज में नंबर आए 4.5 और उन्होंने ऊपर लिख दिया चीटिंग, मैंने कहा सर ये क्या बात करता आपने चीटिंग की, मैंने कहा यार चीटिंग में वैसे ही फेल, चलो छोड़े जो भी हुआ ये तो चलता रहता है। उसके बाद सीन इस तरह का हुआ, इन्होंने कहा कि आप अब बोले सुने के 5 घंटे आप काम करेंगे फिर भी आपको मिलेगा 200, हमने तो कोई बात नहीं खैर आप फिर क्या कहते नहीं हैं कि जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजम है, हमने कहा ठीक है भाई नौकरी पे ट्राई की हर जगह, कोई कॉल सेंटर कोई पीपीओ इंडस्ट्री नहीं छोड़ी, मगर जिधर जाते हैं भाई इंटरव्यू में सिर्फ आपको कहता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वो बताते हैं और अगला कहता है ठीक है इफ यू आर सक्सीड आई विल लेट यू नो, इसका ये मतलब होता है भाई आपने आज फिर 200 का पेट्रोल जाया किया, करते 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 भाई आखिर एंड पे हमारी ट्रेनिंग खत्म होने वाली थी, पूरे हमने कोई 29 दिन ट्रेनिंग की, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस थी बात फिर भी कुछ नहीं आया। उसके बाद सीन इस तरह बना, हमने कहा लैब आज इंडक्ट हो गए, उन्होंने कहा जी आप बिना कोई पार्टी शार्टी करते हैं हाइटी करते हैं, मैंने कहा यार पैसे तो वैसे कोई नहीं थे जेब में, मैंने कहा चलो खैर घर मोटरसाइकिल का कह के 2000 बता दिया जी मोटरसाइकिल ठीक करानी, और कसम से मेरी 70 है ना मैं आपको दिखाऊंगा लव बाइक है मेरी, मेरे कोई दोस्त ने कहा रोटी खानी है किसी को ट्रीट देनी है कहीं जाना है, मैंने घर सिर्फ एक ही कहा मोटरसाइकिल का काम कराना, और कसम से कितने साल हो गए काम नहीं किया। उसके बाद सीन इस तरह का बना, चलो जी हम हाइटी चले गए, किधर जाना जी लाल किले जाना, हमें पता नहीं था पहली बात हाइटी होती क्या, हम समझा कि चाय का प्रोग्राम भाई जान पेंडू बंदे हमें नहीं था पता, कहते जी आपको लगेगा 1500-2000, हमने कहा चलो ठीक है कोई नहीं मौसम दे पाएंगे 1500-2000, उधर गए भाई उधर तो पहले हमें समझ ही ना आया कि ये होया है क्या कर क्या रहे हैं समझ कुछ नहीं, और ऊपर से घंटा डेट आया और थोड़ा बहुत पैर दलील हो गए खैर अच्छा चलता है। अगले दिन हम आए बड़े खुश, हमने कहा लैब भी आप तो पार्टी भी होगी आप तो सैलरी शुरू हो जाएगी, सैलरी क्या शुरू हो जाएगी सुबह इस तरह भाई ना धो के आए आगे लैब भी आज तो काम स्टार्टिंग इंडक्शन हो जाएगी, मगर हमें क्या पता था, इधर आया एक बंदा कहता जी बैठे इसका सेलेक्शन ये आपको इंटरव्यू आपने इसका देना फिर उसका देना फिर ये करना फिर वो करना फिर इनके वही फिटो पार्टियाँ शुरू हो गई, सीन इस तरह हुआ सीन फिर इस तरह हुआ कि इन्होंने मैं कहा यार हमारे पास ना कंप्लेन खत्म हो गई है तो हम ना आपको कहीं और इंडक्ट कर लेंगे, अभी आप 200-200 रुपये आपने महीना तक ज़ाया किया वो आप लें और घर जाएं, जब आपको हमारे पास काम आएगा हम आपको दे देंगे, तब से मुझे समझ नहीं आ रही मैं हंसू के रहूँ क्योंकि मेरी माँ पहले दिन से कह रही थी बच्चे तो टाइम जाया कर रहा है हमें ये काम नहीं सही है, ये तो मैंने क्या महीना बाद पैसे लिए वो मैंने नहीं मानी, और ज़िंदगी में मैंने काफ़ी दफ़ा माँ बाप की नहीं मानी और यकीन करें मैं जरूर हूँ, मगर अभी मैं घर बता नहीं सकता
क्योंकि मैंने घर बताया उन्होंने नकार दिया है, तो घर वाले कहेंगे तू काम पे जाता ही नहीं था, तू भी और नशे पानी करता है। चलो कोई नहीं, खैर वो करा था। बाकी यार आपको और भी एपिकस के बारे में बताता रहूँगा, आप मुझसे फीडबैक दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। आपका अपना भाई कॉमिक्स भाई।